आज है मैम नंबर नो, नंबर नो है आज हमारा। तो जब नंबर नो है तो नंबर नो नंबर है मैम हम लोगों का मंगल का। जब मंगल का नंबर है तो इसके अंदर हमारा नो आ जाती है, 27 आ जाती है, आपकी 18 आ जाती है, ये डेट आ जाती है मैम। साथ ही साथ एक बात और बोलूंगी मैम, हम लोग जो बर्थडे मानते थे ना सूर्योदय से सूर्योदय तक मानते हैं, तो अब 12 बजे के बाद भी बर्थडे मान लिया जाता है। तो अगर किसी का इस तरीके का कुछ बर्थडे है ना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का 1 तारीख को रात में 2:30 बजे जन्म हुआ है, तो उसको आप एएम ही बोल रहे हैं ऐसे तो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है 2 तारीख। तो ज्यादा जो एप्लीकेबल इसके ऊपर हो रहा है ना, जो हम लोगों ने काम किया है, तो वो 1 तारीख ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल हो रही है, ये चीज बोल रही हूँ। ओके ठीक है, ये चीज भी आप लोगों के ऊपर जो एप्लीकेबल हो उस तरीके से आप देखना। ये व्यक्ति डोमिनेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि मंगल आ गया मैम। हर वक्त टेंशन में रहना मैम किसी भी चीज की। टेंशन में क्यों रहना मैम? क्योंकि जल्दबाज है मंगल, है ना, मंगल जल्दबाज है। इसी वजह से इन्हें कब्ज व सिरदर्द की शिकायत रहती है। सरदर्द और क्या चीज कब्ज, का कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। इसकी शिकायत रहती है। कहते हैं अपने माँ पिता से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली फादर से, क्योंकि मंगल और सूर्य का सही है, मंगल चंद्र समझ जाना वो देव है, लेकिन एक दूसरे की राशि में थोड़ा नीच। ये सही है, ये मेरी बेटी की है। हाँ जी, स्पेशली थोड़ा पिता से ज्यादा बोलूंगी मैम। और एक चीज और देखना मैम, आगे चलकर थोड़ा सा बात करेंगे ना, इसे ना लक्ष्मी योग भी बोला गया है, चंद्र मंगल, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे की राशि में नीच है, तो ये हाँ उतना हद तक मैच करता नहीं है, बोला जरूर जाता है। हाँ, अपने माँ पिता से काफी प्यार करते हैं, स्पेशली पिता बोलूंगी। हाँ, उनके बारे में कुछ भी बुरा सहन नहीं कर सकते। काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लीडर की तरह व्यवहार करते हैं। लीडर लीडर, लीडर मंगल है ना मैम, ना? अच्छा, अपनी चलाएगा, हाँ लीडर की तरह व्यवहार करते हैं। अगर इन्हें अपनी अपनी कोई बात बताती बता दी है तो ये इसे छिपाकर भी रखेंगे। अगर आप इन्हें अपनी कोई बात बताते हैं तो ये उसे छिपाकर भी रखेंगे। शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, ये बोल देते हैं लेकिन इनके मन में दिल में कुछ नहीं है। मुंह पर बोल देंगे लेकिन इनके दिल में और मन में कुछ नहीं है, लेकिन जो बोलना चाहते हैं वो कई बार नहीं बोल पाते। हाइट अच्छी होती है इनकी, इन्हें मान सम्मान पसंद है। जिस जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, या जहां पर इनसे कोई बात नहीं करता, मैम निकल जाते हैं वहां से, ज्यादा टाइम टिक नहीं सकते हैं वहां पर।
मैम ये चीज उनमें भी देखने को मिलेगी जिनका जो बर्थ होगा सितंबर में होगा, ये भी चीज याद रखना, या किसी भी तरीके से नो आता है आपका। काफी तेज बोलते हैं, एंग्री होते हैं, घर में दिक्कत कर लेंगे लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत बढ़िया। वो भी सही है। फिर से बोलना है ना। अच्छा ये भी सही है। मैम ये सबके लिए बहुत करते हैं लेकिन उनका कोई श्रेय नहीं मिलता है। काम को काफी अच्छे से करते हैं, देर रात तक भी काम करते हैं, काम को काफी अच्छे से करते हैं, देर रात तक भी काम करते हैं। आवश्यकता से अधिक काम करते हैं। शादी से पहले अगर इनका अफेयर होता है तो उसे जल्दी से भूलेंगे नहीं। कम उम्र में काम शुरू कर सकते हैं। उम्र में काम शुरू कर सकते हैं। शादी जल्दी हो सकती है। लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते। काफी रोमांटिक, पैशनेट, अनसेटिस्फाई होते हैं। जिस परिवार में रहते हैं, जैसे मान लो शादी हो गई है तो ससुराल हो गया ना, जिस परिवार में रहते हैं उनसे काफी लड़ते हैं लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। काफी पावरफुल होते हैं, इंपल्सिव होते हैं। फटाफट गुस्से में आ जाते हैं, फटाफट गुस्से में आ जाते हैं। इन्हें कोई गलत बोल दे तो वो पसंद नहीं है, सोचते हैं मैं सही हूं हर वक्त। इन्हें कोई गलत बोले तो वो इन्हें पसंद नहीं है, हर वक्त सोचते हैं मैं ही सही हूं, मैं बहुत चतुर हूं। इन्हें शो ऑफ करना पसंद है। इन्हें शो ऑफ करना पसंद है। जो इनके नीचे काम करते हैं उनकी केयर करते हैं। जो इनके नीचे काम करते हैं उनकी केयर करते हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं।
लेकिन कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। खतरा लेना ही इन्हें पसंद है। किसी से उन्हें हो रहा है ये काम तो मैं करके दिखाता हूँ, तो मैं करके दिखाती, ये चीज पसंद है। हाँ, खतरा लेना, हाँ खतरा लेना मतलब रिस्क फैक्टर ना, या ओके जो काम किससे ना मैं करके दिखाती हूँ ना, मैं करके दिखाता हूँ ना, तुम हटो मैं जाता हूँ। ओके। आपका वॉइस क्रैक हो रहा अभी मैम अभी, है, अभी ठीक है। हाँ जी, सावधानी क्या बरतनी है इन्हें, गुस्से पर कंट्रोल करें, गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने करीबी लोगों से संभल कर रहें, वही तुम्हें कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। अपने करीबी लोगों से संभल कर रहे हैं, वो तुम्हें कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। बिना मतलब के शो ऑफ ना करें, फैमिली की परवाह करें, ज्यादा उदास मत हुआ करो। ज्यादा उदास मत हुआ करो। अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुंह पर सच बोलता है, उसे अपनी लाइफ से मत जाने देना। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मुंह पर सच बोलता है, उसे अपनी लाइफ से मत जाने देना। हेलो मैम, मेरे को हेलो मैम, लेट हो गए आज किरण मैम? याद ही नहीं रहा मैम, अभी अच्छा देख अच्छा मैंने लूंगी। मैसेज भी डाल दिया था। चलो कुछ नहीं, नोवा सुन लेना, वैसे तो अब छोटा सा रह गया नो का, फिर आगे बताऊंगी। डिसीज मंगल से संबंधित मैम, वीपी, हार्ट इशू। तुम क्या बता रहे हैं? नौ नंबर का चल रहा था मैम, उनकी डिसीज बता रही हूँ। 9 नंबर का चल रहा था। लकी डेट्स इनके लिए कौन कौन सी है? 5, 6, 9, 18, 24। लकी डे कौन कौन से हैं इनके लिए? फ्राइडे, मंडे, थर्सडे। लकी मंथ इनके लिए मई, जून, सितंबर। लकी कलर इनके लिए रेड, पिंक। लकी स्टोन इनके लिए मूंगा। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। मंत्र में मंगल का मंत्र आपके पास आ ही गए हैं, या हनुमान चालीसा करें। तो मैम, और ये सब जो क्वालिटीज है वो सब सितंबर मंथ में पैदा हुए लोगों को भी होगा? हो सकती है मैम, मिली जुली चीजें आ सकती है हमारी ना अभी, लेकिन जो हम लोगों ने बात करी इसकी, अगर मंथ है कहीं ना कहीं आपका ईयर भी मिलाकर यही चीजें आ जाती है तो भी आप ऐसी बात बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 9, 9, 8, 1, 9, 9 ही आ गया, ओके ठीक है? वो अभी आगे आगे सारी चीज खुलने वाली है। ओके प्रोफेशन इनके लिए कौन से अच्छे हैं? मंगल से रिलेटेड जैसे मिलिट्री हो गया, आर्मी का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, फायर का हो गया, मतलब एक जॉब, वर्दी वाली जॉब। मंगल है ना, ओके।
अब मैम हमारे ना प्लेन होते हैं, तो ये प्लेन हमारे बारे में क्या बताते हैं? जो वैसे तो हमारा ये लोशो ग्रिट का रहेगा जिससे हम लोग कई चीजें जानेंगे, लेकिन आज जो हम करेंगे शेफीरियल करेंगे, शेफीरियल ग्रिट, तो इससे हमें क्या क्या चीज पता लगेगी जो हमारे प्लेन मैम? शेफीरियल ग्रिट बनेगी ये हमारी इस तरीके से बनेगी, आपका 3 1 9 6 7 5 2 8 4 मैम, सेम इसी तरीके से इसको साउथ वेस्ट बोला गया है, इसे वेस्ट बोला गया है, इसे नॉर्थ वेस्ट बोला गया है, इसे नॉर्थ बोला गया है, इसे साउथ बोला गया है, इसे नॉर्थ ईस्ट बोला गया है, और इसे आपका साउथ ईस्ट बोला गया है, इसे आपका ईस्ट बोला गया है। हम 7 पर रह गया मैम। ठीक, सेंटर, भाई सेंटर एक चीज और क्या कर हमेशा ली, ऐसे ही रहता है। अच्छा, ये शेफीरियल ग्रिड है, ये ऐसी रहेगा, बस इसके अंदर क्या फील होगी आपकी डेटों पर, मतलब इसको ऐसे ही याद करना है। ये इसी तरीके से रहेगा हमारा, इसको आप शेफीरियल ग्रिड बोलते हैं, ये लोशो ग्रिड नहीं है, ये अच्छा वैदिक अच्छा ग्रिड बोल सकते हैं या आप इसे, ठीक है ठीक है। मैम? एक बात और क्या बोली गई है, मेरी बात को समझिएगा, 1 7 8, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 178 आता है टोटल करने पर या और नंबर मिलाने पर 178 आ रहा है, तो एक जगह से 178 को ब्रेक करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में 178 ना ले, ठीक है? ये चीज को जो ये वो पहला क्या है बोला? 178, यदि आपकी डीओबी में आ रहा है किसी भी तरीके से मिलाने पर या वैसे भी, ओके ये पूरा 178 का फील हो गया है कहने का मतलब, तो आपको अपने मोबाइल हाँ में या अपने बैंक में 178 को नहीं आने देना, 1 7 आ गया, 7 8 आ गया, चलेगा, ओके, ऑल तीनों नहीं आना हाँ ये चाहिए पूरा नहीं होना चाहिए, कहीं ना मैम। कहीं ब्रेक सेवन होना चाहिए। मैम 7272 है, तो मेरे को मेरे मोबाइल में 83 है। मैम किरण मैम एक बार दोबारा से बोलेंगे, 7272 है ऐसे करके मेरे बर्थ ऑफ बर्थ डेट में, और ये 8 है, 7 भी आया ना इसमें, 178 तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 178 है, बात नहीं है मैम, 7 है, बस खत्म, फिर क्या खत्म। डेट ऑफ ठीक बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बोल दो मुझे, सेवन टू 1972। मैम ये 7 और 2 9 ही हो गया हमारा, हाँ ये जी। 7 और 2 9 ही हो गया, इधर हम लोगों का 1 है, हम 8 नहीं आया हमारा। अगर इसकी बात करूं तो हमारी क्या ग्रिड बनती है मैम इधर पर, तो हम लोगों के पास 1 भी है, हम लोगों के पास 7 भी है, 7 लेकिन हम लोगों का 2 बार पे हो रहा है मैम इधर, 1 भी इधर बात करी जाए तो हम लोगों का 2 बार पर हो रहा है इधर, क्यों 2 बार पर, इस वजह से हमारा, 2 की अगर बात करी जाए तो मैम हम लोगों के पास 2 भी है इधर, 2 भी हम लोगों की 2 टाइम हो जाता है इधर यहाँ पर, ठीक है? और क्या चीज है मैम, 7 9 है, और मैम हम लोगों के पास इधर 9 है, ये चीज है, ये चीज है मैम, और बस ये भर के ये चीजें हमारे पास, और इतनी चीजें हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसे छोटा सा क्या आइडिया लग सकता है मैम हम लोगों को, क्योंकि अब एक ही व्यक्ति का चार्ट नहीं है, 2 व्यक्ति है, क्योंकि उनसे भी हस्बैंड है, जब हम लोग मैच मेकिंग भी करेंगे वो लोशो के हिसाब से करेंगे तो चीजें मिल गई होंगी, नंबर मिल गया होगा, हो सकता है वो नंबर इनके पास ना हो, वो हस्बैंड के पास हो, 3 नंबर तो इनके पास जुड़ गया हो, वो चीजें आ गई, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा जो चार्ट है ना, इससे एक चीज क्या पता लगती है, जो हमने डायरेक्शन लिखी है, तो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है क्या आपके घर के अंदर, साउथ कटा वेस्ट हुआ कटा मैम। हुआ है क्या आपके घर के अंदर, समझ रहे हैं? क्यों, क्योंकि है ही नहीं, अच्छा, नहीं लेकिन सभी के नंबर्स ऐसे देखेंगे तो बस 3 आएंगे ना, डेट डे डेट मंथ और ईयर ना। मतलब मैडम ये डेट वन मंथ ही नहीं, आपने, हाँ मैडम, और ये लास्ट में वन टोटल लिया है मैडम आपने, वन हाँ टोटल 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 हो गया ना, अब मान लो ये किसी का 17 होता तो 8 भी आता, 8 किया था। यस मैडम, 8 भी आता, अब ये क्या बोला गया है मैम हमारा, ये 3 1 9 जो है ना हम लोगों का, ये स्पिरिचुअल प्लेन है, स्पिरिचुअल प्लेन बोला गया है इसे, या आत्मिक आप बोल सकते हैं इसे, अगर ये प्लेन व्यक्ति के पास है ना, तो ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, ये प्रोफेशनल हो सकते हैं, आत्मिक प्लेन है ये प्रोफेशनल हो सकते हैं,
अगर ये बीच वाला प्लेन किसी के पास है तो इसे मानसिक या मेटेरियलिस्टिक आप बोल सकते हैं। बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग, बिजनेस मटेरियल वाला माइंडेड होते हैं। जो ये नीचे वाला है मैम, इसे फिजिकल या भौतिक प्लेन बोला गया है। मतलब एक पहला वाला आत्मिक हो गया मैडम, और हाँ जी, दूसरा दूसरे वाला हम लोगों मैटेरियलिस्टिक का इधर मानसिक हो गया, दूसरे मानसिक। वाला फिजिकल हो गया। मैम ये भी हमारा अच्छा है, क्यों और अच्छा भी है। खराब कब हो जाता है? जब व्यक्ति के अंदर ऐब आ जाते हैं। 284 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन यदि व्यक्ति में ऐब होगा तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। वो आगे आगे चीज क्लियर करूंगी, ठीक है। यानी प्राइड, ऐब मतलब नशा एडिक्शन, किसी प्रकार का, एडिक्शन हाँ मैम, एडिक्शन, एडिक्शन, हाँ, एडिक्शन, एडिक्शन किसी एडिक्शन। भी नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। कहने का मतलब अगर ऐब होगा तो ये 284 बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, नहीं तो ये 284 बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है मैम। यदि एक नंबर है, हाँ बोलो बोलो मैम। मैम आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी आप जो बोल रहे हैं ये नंबर्स आप जो उठा रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, ये हाँ अगर समझो 14 है तो 1 भी उठाएंगे, 4 भी उठाएंगे, 5 भी उठाएंगे। एग्जाम्पल 1 4 5 उठाएंगे। ये 14 ही हो गया मैम, तो हाँ 1 भी उठा लिया, 4 भी उठा लिया, 5 भी उठा लिया। अच्छा मैडम, ऐसे यहां तक कि, ओके एक चीज और समझिए, अगर ये 11 हो गया तो 2 भी उठा लिया, और एक भी उठा लिया, एक भी उठा एक लिया। ही हाँ दो ओके। और ओके तो ईयर ऑफ बर्थ में 4 नंबर होते हैं, तो चारों उठाते हैं या टोटल उठाते हैं? अभी टोटल सारा टोटल उठाएंगे ना, ठीक ओके है ना, टोटल उठाएंगे हम लोग, ईयर ऑफ बर्थ का इकट्ठा करके नहीं देख रहे? इकट्ठा कर लिया। ये देखो, हाँ नो नो नो, ओनली ईयर ऑफ बर्थ, जैसे हम लोग बर्थ डे हाँ को हाँ 1 एंड 4। ठीक बोल रहे हो, उसको भी जैसे। अब ये हो गया, ये हमारा देखा जाए ये 7 8 9 एक ही तो हुआ। ओके हाँ बिल्कुल उठा लेंगे, सही बोल रहे हो। जैसे मैंने इसको किया है ना, ऐसे इसको ओके और फिर टोटल टोटल, हुआ बिल्कुल टोटल। तो ओके। अब हम लोग मैम आगे बोले, अगर किसी के पास ये वाली ग्रिड है जो मैंने आपको आत्मिक बोला है या स्पिरिचुअल बोला है, व्यक्ति बोलकर पैसा बनाएगा, व्यक्ति बोलकर पैसा बनाएगा, टीचिंग के काम में हो सकता है, डॉक्टर के काम में हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी आपको डॉक्टर को बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा, मतलब बोलने के काम जो भी है उससे, बोलने से पैसा बना सकता है। अब मैम यहाँ पर हम लोगों ने बोला है 6 7 5 में बिजनेस माइंडेड है, तो ये कैसा थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा मैम, ये नहीं। अगर ये ग्रिड पूरी तो सेल्फिश होगा ये व्यक्ति ना। अब जो मैंने बात बोली थी यहाँ पर आ रही हूँ, यदि 284 वाला प्लान है आपके पास, विपरीत राजयोग बोला गया है इसे, विपरीत राजयोग बोला गया है इसे, तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, किसी भी प्रकार का एडिक्शन करेगा तो ये प्लेन खराब है। एडिक्शन के कारण एक्सीडेंट में दिक्कत भी आ सकती है, एक्सीडेंट होने के बाद दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है मैम, यदि एक नंबर है, यदि एक नंबर है,
तो फिर आपका प्रेयर, पूजा, सेरेमनी, इन चीजों में आपकी दिलचस्पी होगी। तो क्या इन चीजों में दिलचस्पी होगी व्यक्ति की? हाँ जी होगी। अब सामने वाले के लिए प्रिडिक्शंस हो जाएंगी मैम, इधर एक नंबर है ना इनके यार, पास। तो इन चीजों में जितने भगवान के बार प्रति, प्रेयर में, पूजा में, किसी सेरेमनी में, इन चीजों में व्यक्ति की दिलचस्पी होगी। अच्छा, तो जितने बार वन आएगा उतने बार वन के उधर नंबर आएगा, ऐसे है? हाँ जी, अगर एक भी है तो भी। अब मैम देखो, हम लोग जो पैदा हो रखे हैं 19 में पैदा हो रखे हैं, तो यस मैडम, हम लोग तो देखो फिर भी सभी किसी की सेरेमनी वगैरह ये सब चीजें अटेंड कर लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, 2 से पैदा हो रहे हैं, कहीं पर हाँ भी एक नहीं है, नहीं मम्मा आप ही लोग जाओ ना, मुझे जाना पसंद नहीं है। ये चीजें देखना थोड़ा सा मैडम, ज्यादा। एक ज्यादातर 2001 आ गया, जन्म में कहीं एक आ गया तो वो एक अलग बात हो जाती है, ये ओके। वाली बात। और मैडम जैसे एक चार बार आ गया या तीन, ये भी फर्क पड़ेगा या मतलब वो स्ट्रांग होता जाएगा? कैसे फर्क पड़ेगा मैं आगे क्लियर करूं, अभी आपको ये बता रही हूँ। इन चीज में दिलचस्पी होती है, या अगर थोड़ा सा ज्यादा आ गया तो दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई, आप यही ऐसे बोल दो ज्यादा यही बढ़ गई, ज्यादा क्योंकि एक से ज्यादा बार आ गया तो आप ऐसे बोल सकते हो। बाकी इनकी और भी चीजें हैं, मैं आगे आगे बताऊं। यदि किसी का 3 नंबर या ज्यादा बार आ गया है, 3 नंबर या 3 नंबर है, तो वो व्यक्ति का क्या? सोशल वर्कर, सोशल वर्क करना लोगों के लिए, एनजीओ से जुड़ जाना, किसी ओल्ड एज होम से जुड़ जाना, बच्चों के लिए कुछ काम करना, इन सब चीजों में दिलचस्पी होगी इस व्यक्ति की। जिसके पास 3 नंबर होगा या 3 बढ़ जाना, 3 नंबर बढ़ाया जाता है मैम। जिसकी मैरिड लाइफ में इशू रहता है ना, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं 3 नंबर को बढ़ा लो। अगर 9 नंबर है किसी के ग्रिड में, यहाँ पर है हमारे पास 9 नंबर, तो गंगा स्नान, तीर्थ यात्राएं ज्यादा होना, कुछ कुदरत से लाए हुए हैं, अभी हम उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं मैम। यदि 6 नंबर है, लग्जरी आइटम चाहिए व्यक्ति को, या लग्जरी चीजें पसंद होती हैं व्यक्ति को, शुक्र का नंबर है मैम, यदि 7 नंबर आ गया है व्यक्ति की ग्रिड में, तो उसे पैतृक संपत्ति मिलेगी, सर्वेंट भी होंगे इनके पास, और सर्वेंट भी अच्छी खासी जिंदगी जीते होंगे, शौकीन होंगे। यदि 5 नंबर है व्यक्ति के पास, तो पैसा भी जोड़ लेता होगा। तो पैसा जोड़ लेता होगा। यदि 2 नंबर है, तो हार्डवर्क कर सकता है व्यक्ति। किसका नंबर है मैम? चंद्रमा का नंबर है, तो पैसा किसके द्वारा भी बना सकता है, ट्रेवल के द्वारा भी पैसा बना सकता है, मार्केटिंग भी तो होता है ना। मार्केटिंग होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, घूमना ही तो है। चंद्रमा माइंड का कारक है, दिमाग के काम से भी पैसा बना सकता है। यदि 8 है, तो फिजिकल मेहनत काफी बढ़ जाती है, फिजिकल मेहनत का बढ़ जाना, हार्डवर्क करना पड़ता है। चार नंबर है, बोलने के काम से पैसा बना सकता है, बोलने के काम से पैसा बना सकता है, अच्छा वक्ता होगा।
अब मैम इससे ही हम लोगों का कालसर्प योग या कालसर्प दोष बनेगा। कालसर्प योग, तो कालसर्प योग कौन सा है मैम हमारा? 2, 7, 9, इसे आप बोलते हैं कालसर्प योग। थोड़ी मेहनत करने पर भी ज्यादा रिजल्ट मिलता है, थोड़ी मेहनत करने पर भी ज्यादा रिजल्ट मिलता है। 2, 7, 9। यहाँ पर हमारा पूरा बन रहा है। मैम क्या उसमें तो खराब बोलते हैं ना कालसर्प योग को, तो बहुत बोलते हैं? मैम कहते हैं ना बड़ी मुश्किलें आती हैं, काम अभी पूरे रुको नहीं मैम, होते। रुक जाओ 2 मिनट के लिए, रुक जाओ। मैंने बोला कालसर्प योग, अभी अगला मैं अच्छा करवाऊंगी कालसर्प दोष। ये योग था, ठीक हाँ ये योग है, दोष है, दोनों बता रही हूँ मैम। जल्दी शादी या जान पहचान में शादी होना, जान पहचान से शादी होना, ज्वाइंट पेन हो सकता है व्यक्ति को, बीपी से संबंधित इशू हो सकता है व्यक्ति को। मैम ये जो मैं दिक्कत बोल रही हूँ, तो ये दिक्कत क्यों हो सकती है व्यक्ति को, थोड़ा सा बताएंगे मुझे कोई? मैम ये कौन है? और ये तो मून हो गया, मैम मून ये कौन है? तो केतु केतु, आपस में कैसा? ठीक हाँ केतु और मून है। के, केतु और ये कौन है? ये मंगल कौन है केतु बीच में? है बीच, यस मैडम मार्स ठीक है मैम। के। तो ये चीज तो सर्जरी की भी इशारा है। अगला आ जाइए मैम, काल सर्प दोष, तो वो कौन सा हो गया मैम हमारा? 3, 7, 4। 3, 7, 4। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे। ज्यादा उतार चढ़ाव उस व्यक्ति को देखने को मिलेंगे जिसका 3, 7, 4 पूरा है, साथ ही साथ वो व्यक्ति मेटीरियलिस्टिक है। ठीक है मैम, इससे किसी के बारे में भी हम लोग चीज का पता लगा सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें अपने साथ में लेकर आए हो, जो मैंने अभी चीज बताई। अब सेम इसी तरीके से मैम हमारे पास डेट होती है, हमारे पास डेट होती है, हमारे पास मंथ होता है, हमारे पास ईयर होता है। डेट हमें किस चीज के बारे में बताती है? डेट हमारे कैरेक्टर के बारे में बताती है, पर्सनैलिटी के बारे में बताती है, हम कैसे दिखते हैं ये बताती है, और हमारा माइंड सेट कैसा है ये बताती है। और हम कैसे दिखते हैं ये भी बताती ये हूँ भी बताती है। हाँ वो हमारे बारे में बता रही है ना, अभी जो चीजें बताई है तो वो किसके बारे में बताई है? हमने डेट पढ़ी है तो वो डेट ने किसके बारे में बताई है? हमारे बारे में बताएंगे। जो मंथ है, मंथ हमें क्या क्या चीजें बताता है? मंथ हमें हमारे प्रोफेशन के बारे में भी बताएगा, मंथ हमें हमारे प्रोफेशन के बारे में भी बताएगा, स्पाउस का नेचर कैसा होगा ये भी बताएगा, कई चीजें स्पाउस के बारे में भी इलेवन बताएंगे। ट्वेल्व मैम, इसमें से दो दो नंबर आ गए ना, जैसे 11 है, 10 है, 11 है, 12 है, इसमें दो नंबर आ गए, जैसे मंथ किरण मैम, किरण मैम किसमें बोल रहे हो? मंथ में मैम। ठीक हाँ आ गए, तो ये 2 हो गया ना। है ठीक है ना, ये 2 हो गया। अगर बात करी जाए आपकी 10 की तो ये 1 हो गया, हो गया, अगर 12 की तो ये तीन 3 हो गया। हो गया, यस मैडम। तो मैम मैम 1 2 3 तीनों का उसमें आएगा, जैसे 1 का भी उसमें कुछ होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, समझी नहीं जैसे मैं आपकी बात, तो 12 नंबर है मैम, 12 नंबर आपने बोला है, ट्वेल्व। दिसंबर, 1 मिनट, आप बोल रहे हैं दिसंबर का महीना है, हाँ जी मैम, तो उसको जो आप एक एप्लीकेबल दो करोगे तीन तीन से तीनों का ही एप्लीकेबल होगा कि करोगे, सिर्फ 3 का होगा मैम? सिर्फ 3 का कह रही हूँ मैं।
ठीक जो मार्च की चीज रहेगी ना वही चीज दिसंबर की रहेगी, जो नवंबर की चीज रहेगी वो चीज फरवरी की रहेगी, ठीक है, ठीक है ना। मंथ है तो मंथ हमारे स्पाउस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, स्पाउस के साथ में हमारा कैसा हिसाब किताब है उस बारे में बताएगा, हमारी मैरिज के बारे में बताएगा, और जो हमारा ईयर है, जो हमारा ईयर है, ईयर हमें बताएगा हैप्पीनेस के बारे में हमारी और हमारे घर के बारे में। अगर आप इस महीने में पैदा हुए हैं, अगर आप इस महीने में पैदा हुए हैं, अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं तो 1 नंबर लिखा हुआ है या 10 नंबर लिखा हुआ है मैम? ठीक जनवरी है, एक है, तो एक का जो मतलब है मैम, एक हो गया है हमारा, 10 हो गया। और इसके बात करी जाए तो ये कौन है मैम? सूर्य है। हमने बोला ये हमारे प्रोफेशन के बारे में बताएगा, तो सूर्य से संबंधित काम हो सकते हैं, कोई टेक्निकल काम हो सकता है, सरकार या सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है वो लोग भगवान को मानते होंगे, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है वो लोग भगवान को मानते होंगे। इनकी शादी किसी अच्छी व स्टेटस वाली फैमिली में हो सकती है, हो सकता है जिस घर में शादी हो रही है वहां गवर्नमेंट में हो लोग। स्टेटस होगा कहने का मतलब उन लोगों का ना, एक कई बार बोल देते हैं सामने वाले, नहीं मैडम इतना स्टेटस नहीं, लेकिन अपने खानदान में कहीं ना कहीं उनका एक स्टेटस है। इस तरीके से हो सकता है घर में किसी का ना हो लेकिन इनका उतना नाम है। अब ये सूर्य है मैम, सन की दिशा कौन सी हो जाती है हम लोगों की? ईस्ट। तो जो रिश्ता है वो ईस्ट की दिशा से आ सकता है, रिश्ता ईस्ट की दिशा से आ सकता है। अब स्पाउस के बारे में कुछ पता लगाते हैं मैम, तो स्पाउस कैसा हो सकता है मैम? सूर्य रूलिंग नेचर का हो सकता है, ईगो हो सकता है उसमें, लेकिन इज्जत करने वाला होगा बड़ों की। सूर्य है ना, इज्जत है। अगर मेल चार्ट है तो स्पाउस को आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आंखें क्यों मैम? सूर्य और चंद्रमा हमारे आंखों के लेफ्ट आई राइट आई का कारण, यस राइट इसलिए स्पाउस को आंखों से संबंधित इश्यू हो सकता है। स्पाउस हार्ड वर्किंग होगा, काम से लेट रिटायर होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा। अब मैम किसी का मंथ हम लोगों का 2 है या फिर हमारा 11 है, मतलब नवंबर, ठीक ठीक है नवंबर हो गया ये हमारा। अगर बात करी जाए ये नंबर मैम हम लोगों का चंद्रमा का नंबर है, ठीक है ये नंबर हमारा चंद्रमा का नंबर है। फरवरी है ये हमारा मैम, ये भी समझ है ना कि फरवरी बोल रही हूँ फरवरी, और हाँ ये नवंबर समझ। 2 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा का क्या चीज का कारक है मैम? चेंज करना किसी भी चीज को, जल्दी जल्दी घर बदलते होंगे। नेचर से कैसे हो गए मैम? सॉफ्ट हो गए। हेल्पिंग नेचर के होंगे, केयर है ना, हेल्पिंग नेचर के होंगे।
इनके फैमिली मेंबरों के विचार अच्छे होते होंगे। घर के आसपास कोई मंदिर या इंस्टीट्यूट होगा। जरूरत के वक्त इनके पास पैसा आ जाता होगा। जरूरत के वक्त इनके पास पैसा आ जाता होगा। जो भी इनका स्पाउस होगा सुंदर होगा, लंबा होगा। स्पाउस का ट्रेवल भी काफी होता होगा। चंद्रमा आ गया मैम, स्पाउस का ट्रेवल भी काफी होता होगा। स्पाउस हो सकता है, स्पाउस के काम के दो सोर्स ऑफ इनकम हो। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है मैम, शादी के लिए ज्यादा माथा पेची नहीं होगी। जल्दी से स्पाउस मिल जाना। सकता है स्पाउस कमीशन एजेंट या चंद्रमा से संबंधित फील्ड में हो। स्पाउस टॉकेटिव होगा। हार्ड वर्किंग होगा, देखने में सुंदर होगा। मैटीरियल लाइफ स्मूथ व अच्छी चलना। अब मैम मार्च में जो पैदा हुए हैं, मतलब महीने में, तो मार्च जो हम लोगों को आ गया मैम 3 हो गया, इधर आपका 12 हो गया, और ये मार्च हो गया। मार्च हो गया आपका, दिसंबर। ठीक है, जो 3 नंबर है मैम, ये किसका नंबर है हमारा? ये जुपिटर का नंबर। व्यक्ति की जो जॉब होगी एक सिक्योर जॉब होगी। घर के लोगों का एक टाइम शेड्यूल होगा, इस वक्त उठ जाना है, इस वक्त लेटना है, मतलब एक टाइम शेड्यूल होगा घर के लोगों का। घर में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होना। घर में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होना। ये लोग जल्दी रिटायर होते हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हैं। ये लोग जल्दी रिटायर होते हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। ट्वेंटी वन की एज में ये अपना काम शुरू कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से इनका काम शुरू हो जाता है। प्रॉपर्टी से इन्हें इनकम आ सकती है। शादी किसी स्पोर्ट्समैन फैमिली में हो सकती है। हो सकता है उनके घर में कोई किसी चीज की कलाबाजी का शौक रखता हो, कुछ ये रखता हो।
स्पाउस की हाइट कम हो सकती है। पिटर संतान का कारक है, पहली संतान होने के बाद ये चमकेंगे, पहली संतान होने के बाद ये चमकेंगे। लाइफ में 2 बार चमकने का मौका मिलेगा। स्पाउस को पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, स्पाउस को पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। कोई फाइनेंस, फाइनेंस, टीचिंग, प्रीचिंग, लेक्चरर, इनसे संबंधित प्रोफेशन हो सकता है इनका। मोटे ऐसे दिख सकते हैं मैम, जुपिटर है ना, मोटे से दिख सकते हैं, और जैसे मतलब आंखें जैसे तभी इसी इस तरीके का कुछ दिख सकते हैं ये। ये इनके स्पाउस मोटे होंगे। हाँ मैम उसको बोल सकते हो कि ओके जुपिटर है ना, स्पाउस इस तरीके के दिखते होंगे, जैसे थोड़ा सा हेल्दी। मैम, अप्रैल का मेरे बेटे का तो हाँ, भी वो मैम मोटा ही है मैम, मेरे बेटे का है वो भी मोटा ही है थोड़ा। तो 3 नंबर बोल रहा है ना हम इस वजह से, कहीं ना कहीं मतलब लंपी से इस टाइप से कुछ बोल सकते हैं आप ना थोड़ा सा, क्योंकि हाँ मैम, चबी है मतलब, बाकी सब पूरे घर में पतले हैं, खाली वही चबी है। अच्छा, ठीक है आगे मैम। अगर किसी का अप्रैल का जन्म है, अब तो ये 4 ही है क्योंकि हम लोगों का 13 तो मंथ होगा नहीं, लेकिन नहीं अपना 4 हो गया अप्रैल, राहु है, राहु मैथमेटिक्स में बढ़िया, बिजनेस में बढ़िया, लॉयर अच्छे बन सकते हैं, राइटर अच्छे बन सकते हैं। फैमिली वाले टॉकेटिव होंगे लेकिन छिपे रुस्तम भी होंगे। इनके माँ पिता में किसी ना किसी प्रकार का झगड़ा लगा रहता होगा। भगवान में रुचि रखते होंगे। लेकिन अपनी फैमिली वालों के क्लोज होंगे, फैमिली वालों के क्लोज होंगे। गोल्ड वह ज्वेलरी का शौक होगा। शादी अच्छी फैमिली में होगी, शादी अच्छी फैमिली में होगी। इनका स्पाउस टॉकेटिव व इंटेलिजेंट होगा। रात में नींद की दिक्कत या बेड प्लेजर में इश्यू होगा। राहु के कारण होगी मैडम। राहु के कारण मैं बोल रही हूँ।
मैम वैसे वो तो 12th हाउस का वो अच्छा गिनते हैं ना राहु को, तो बिल्कुल बेड कहीं प्लेजर में ही 12th हाउस ही होता है मैम। ना कहीं बिल्कुल बारवा घर ही होता है, लेकिन बारवा घर राहु है तो नींद भी व्यक्ति को नहीं आती है नहीं ज्यादातर, आती है। यस मैडम, कहते हैं नींद नहीं नहीं आती है। मैम इसीलिए तो उपाय बोला गया है कि लाल रंग की थैली में सौंफ भर कर रखे तकिए आती के अंदर। है। 26 साल की उम्र के बाद डेवलप होना, अगर ये मेल है तो जोरू के गुलाम, शादी हो गई क्या? है मैम मेरे घर में। ठीक हाँ है, 4 नंबर वाले हैं। मैम, ठीक है मैम, बाकी का नेक्स्ट में करते हैं, मई जून जुलाई और जो आपके रह गए पूरे जो रह जाएंगे के बाद फिर आगे। ठीक है चलिए, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू।